So guys, today we are doing electrostatics lecture 9, class 12. ओके, ये बच्चे ने क्वेश्चन पूछा, ऐसे क्वेश्चन है। चित्रकारी तो बड़ी अच्छी बनाई है। और फ्लक्स पूछा है इस रीजन के थ्रू। बोलो हाँ, इसके थ्रू पूछा है फ्लक्स, और चार्जेस रखे हैं क्यू यहां पर। सॉरी, गलत बोल दिया। क्यू यहां पर कॉर्नर वाले पॉइंट पे है और एक यहां पर है। डायग्राम इतना अच्छा नहीं बनाया मैंने। बोलो हाँ, ऐसी है नहीं है? चेक करो जरा एवरीबॉडी। यस सर। इनका नाम दे देते हैं 1, 2, 3। पहले तो ये कह सकता हूं कि अगर कोई ऐसा होता था, ये क्लास में मैंने कराया था, ऐसे होता एल एल एल, तो इसके थ्रू फ्लक्स कितना होता है भाई? ये होता है क्यू बाय 6 एप्साइलन नॉट का 1/4, क्यू बाय 24 एप्साइलन नॉट। बोलो हाँ। यस सर। जिसको ये नहीं आता भैया, गो टू द लास्ट लेक्चर एंड प्लीज रिवाइज। अब ऐसे वाला चार्ज तीनों में से कौन सा है? अगर मैं इस फेस का नाम दे दूं ए बी सी डी, ए बी सी डी के थ्रू फ्लक्स क्यू बाय 24 एप्साइलन नॉट 1 के कारण भी होगी, 2 के कारण भी होगी, 3 के कारण भी होगी। लेकिन 1 के कारण मैं ये कह सकता हूं इस ब्लैक वाले रीजन में एंड इस ग्रीन वाले रीजन में सेम होगी। बोलो हाँ, सिर्फ 1 के कारण, 2 और 3 के कारण नहीं बोल सकता। 1 के कारण ये बोल सकता हूं कि 1 के कारण फ्लक्स थ्रू रीजन ब्लैक एंड रीजन ग्रीन वुड बी सेम। 1 के कारण फ्लक्स कितनी होगी? फ्लक्स थ्रू 1, फ्लक्स ड्यू टू 1 होगी क्यू बाय 48 एप्साइलन नॉट। किस किस को समझ में आया? बोलो हाँ। यस सर। क्यू बाय क्या बोलते हैं, एक सेकेंड, क्यू बाय 6 एप्साइलन नॉट का 1/4 का आधा। बोलो हाँ, ब्लैक वाले रीजन में। अब प्रॉब्लम बची 2 और 3 की। टू और थ्री का मैं नहीं निकाल सकता, टेक्निकली नहीं निकाल सकता, लेकिन मैं कुछ बोल सकता हूं। मैं कहूंगा 2 के कारण इस रीजन में फ्लक्स, अगर फ्लक्स 1 है और इस रीजन में फ्लक्स अगर फ्लक्स 2 है, तो फ्लक्स 1 प्लस फ्लक्स 2 इज क्यू बाय 24 एप्साइलन नॉट। बोलो हाँ, किस किस को समझ में आया? यस सर। ये किस वाले के कारण है? ड्यू टू सेकंड वाला। अब तुम ये बताओ थर्ड वाले के कारण इसके थ्रू फ्लक्स फ्लक्स 1 हो जाएगी फिर, और इसके थ्रू फ्लक्स फ्लक्स 2 हो जाएगी। बोलो हाँ। सिमिट दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है डायग्राम देख के? थर्ड वाला जो चार्ज है उसके लिए ग्रीन वाला रीजन तो ब्लैक वाला रीजन बिहेव करेगा, और ब्लैक वाला रीजन ग्रीन वाला बिहेव करेगा। बोलो हाँ। यस। अब बात समझ में आई या नहीं आई? ये चीज सोचनी पड़ेगी तुम्हें। एवरीबॉडी गॉट इट और नॉट? हाँ ना, मैं जवाब देते हैं यार, आ गया तो सही है और नहीं आया तो वही। यस सर। आया तो नहीं आया। यस सर। अब ये बता दो ब्लैक वाले के थ्रू फ्लक्स कितनी है टोटल? एक तो हो गई ये वाली, एक हो गई ये ब्लू वाली, एक हो गई ये पर्पल वाली। तो फ्लक्स 1 प्लस फ्लक्स 2 लेनी पड़ेगी ना। फ्लक्स 1 तो हो गई 2 वाले के कारण,
और फ्लक्स टू हो गई थ्री वाले के कारण थ्रू द ब्लैक वाला, बोलो हाँ, गॉट इट और नॉट? यस सर। तो टू प्लस थ्री का सम कितना है? 24। तो 1/48 + 1/24 आंसर होना चाहिए Q by epsilon naught. कितना हुआ? 48 LCM आ गया, 1 + 2, 3 आ गया, 3/48, 3 × 1 = 3, 3 × 6 = 18. तो 3 ये आ गया Q by 16 epsilon naught. Everybody got it or not? हाँ ना मैं जवाब दे सकते हो, समझ में आया कि नहीं आया? नीसा? Yes, sir. आ गया ना समझ में? Yes, sir. Good. ठीक है, और बताओ. चलो नेक्स्ट. मैं करा रहा था डाइपोल पिछली बार, am I right? We were doing डाइपोल. डाइपोल का रीकैप क्या कहता है? डाइपोल का रीकैप कहता है माइनस क्यू था प्लस क्यू था, ये एल था, डाइपोल मूवमेंट हो गया पी, पी हो गया क्यू एल, चलेगा? उसके बाइसेक्टर पे नहीं सॉरी उससे उसके एक्सिस पे आर पे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई 2kp/r³, ये भी चलेगा. उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई kp/r³, ये भी चलेगा. यहाँ पर आर पे, और ध्यान रखना आर मच मच ग्रेटर देन एल है, उस पे फील्ड इसी डायरेक्शन में होगी 2kp/r³, ये भी चलेगा. अगर हमने कहा यहाँ पे एंगल थीटा पे आर डिस्टेंस पे देखेंगे तो इधर आ जाएगा 2kp cos θ/r³, इधर बन जाएगा फील्ड kp sin θ/r³, और रिजल्टेंट बन जाएगा इनका वेक्टर सम दैट इज kp/r³ अंडर द रूट ऑफ 1+3 cos²θ. ये एंगल हो गया अल्फा, जहां पे tan अल्फा हो गया tan थीटा डिवाइडेड बाय 2. एवरीबॉडी गॉट इट और नॉट? रहा पोटेंशियल की बात, यहां पर पोटेंशियल हो जाता है, स्केलर क्वांटिटी होती है kp/r², यहां पर पोटेंशियल हो जाता है -kp/r², और यहां पे पोटेंशियल हो जाता है 0+kp cos θ/r². Got it or not? यहां तक का हो गया. और मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था कई बार ना अरेंजमेंट्स को डाइपोल की तरह ट्रीट कर देते हैं, अरेंजमेंट्स को डाइपोल की तरह ट्रीट कर देते हैं. कैसे? यहां पे कह दिया भाई -2q, इसको कह दिया q और इसको कह दिया q, और यहां पे बना दिया इक्विलेटरल ट्राइंगल. मैंने कहा एक डाइपोल मूवमेंट हो जाएगा, एक डाइपोल हो जाएगा हमारा इस प्रकार P, जिसकी वैल्यू हो जाएगी QL, एक हो जाएगा ऐसे P, जिसकी वैल्यू हो जाएगी QL, और इस माइनस Q को कैसे मान लिया? दिस इज मेड अप ऑफ टू चार्जेस -Q and -Q, हाँ या ना? और फिर नेट डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा? वो इधर की तरफ दो एक्सिस ले ली, ये एंगल 30 डिग्री हो गया, ये एंगल 30 डिग्री हो गया, तो साइन कॉम्पोनेंट कट गए, नीचे की तरफ आ जाएगा 2p cos 30. तो ये हो गया 2QL √3/2. Everybody got it or not? ये भी पिछली क्लास में कराया था, रीकैप हो रहा है डाइपोल का. लिख लो तो बता देना. एक मिनट थोड़ा ऊपर कर दो. ओके. गाइस एक तो ये हो गया, नेक्स्ट इज ये भी मैंने पिछली बार कराया था कि मैंने कहा था रिंग के ऊपर ऐसे चार्जेस चिपका दिए, ठीक है,
इस पे हो गया प्लस लैम्डा, इस पे हो गया माइनस लैम्डा, डाइपोल मोमेंट पूछा है, रेडियस आर है, तो मैंने कहा था पेयर्स में काट दो इसे। कैसे काट दो? पेयर्स में एंगल थीटा पे डी थीटा सबटेंड करने वाला एलिमेंट काटना, फिर यहाँ पे एंगल थीटा पे डी थीटा सबटेंड करने वाला एलिमेंट काटना, ये डाइपोल मोमेंट हो जाएगा डीपी। छोटा सा मोमेंट कितना हो जाएगा? डी क्यू इंटू में सेपरेशन, सेपरेशन हो जाएगा टू आर साइन थीटा, और डी क्यू को लिख देना लैम्डा इंटू आर डी थीटा, और इसका समेशन कर देना, और सबके सब सेम डायरेक्शन में होंगे, ये वाला पेयर इसके साथ, ये वाला पेयर इसके साथ, तो हमारा थीटा विल गो फ्रॉम जीरो से लेकर 180। साइन का माइनस कॉस आ जाएगा, ये आ जाएगा फोर लैम्डा आर स्क्वायर। गॉट इट और नॉट? ये भी करा दिया था, गॉट इट और नॉट? अब इसमें मैं सारे क्वेश्चन थोड़ी करा सकता हूं, मतलब होमवर्क क्वेश्चन तुम्हारा ये भी हो सकता है, होमवर्क क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि मैंने एक आधी रिंग ले ली, पेपर में डाल दूंगा, फिर ये मत कहना सर ये तो हमसे होएगा नहीं, खुद कर लेना भाई। ये एक रिंग ले ली, इस पे चार्ज है क्यू, रेडियस है आर, और इसके सेंटर पे रख दिया माइनस क्यू। फाइंड पी नेट, कर लोगे? दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? एक आधी रिंग ले ली, आधी रिंग के ऊपर चार्ज डाल दिया नेट क्यू, ये कैसे वाला होगा? लैम्डा वाला होगा, लैम्डा हो जाएगा क्यू बाय पाई आर, मतलब इन टर्म्स ऑफ क्यू निकालोगे ना, दिस इज गिवन, नॉट लैम्डा, लैम्डा इज नॉट गिवन, हाँ या ना? लैम्डा यू विल हैव टू राइट योर सेल्फ। किस किस को समझ में आ गया गाइस? हो जाएगा? Yes, नहीं हो जाएगा सर? यस सर। नेक्स्ट इज, तो अब टॉपिक चेंज करते हैं, टॉपिक चेंज करते हैं। क्वेश्चन इज डाइपोल इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। डाइपोल इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। मान लो हमारे पास ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसी है, और मैंने यहां पर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रख दिया, ऐसे रख दिया मान लो, ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, ये एल है। बेटा फोर्स कैसे लगेगा ये बता दो। इस पे इधर की तरफ फोर्स लगेगा क्यू ई, इस पे इधर की तरफ फोर्स लगेगा क्यू ई। क्या मैं कह सकता हूँ फोर्स नेट हो जाएगा जीरो? इज दैट फाइन? यस सर। दोनों तरफ ई सेम हो ना, मतलब तो यूनिफॉर्म एक्सटर्नल, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। अगर मैंने इसको ऐसे भी रख दिया होता कि सपोज मैंने इसको रख दिया इस प्रकार से, कुछ यहां पर रख दिया प्लस क्यू और यहां पर रख दिया माइनस क्यू, अब बताओ फोर्स कैसे लगता? इधर लगता क्यू ई और इधर फोर्स लगता क्यू ई, अभी भी हमारा एफ नेट जीरो ही हो जाता। गॉट इट और नॉट? अगर मैंने इसको किसी एंगल पे रख दिया होता तो भी फोर्स जीरो ही हो जाता या नहीं हो जाता? नेट फोर्स विल बी जीरो। ऐसे रख दिया, ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, इस पे फोर्स लगेगा इधर क्यू ई, इस पे इधर फोर्स लगेगा क्यू ई। गॉट इट और नॉट? ये माइनस क्यू था, इस पे भी एफ नेट जीरो है, लेकिन थर्ड केस में किसी को फील आ रही है? पहले केस में टॉर्क नेट भी जीरो होगा, घुमाने की कोई टेंडेंसी नहीं होगी। दूसरे केस में टॉर्क भी हमारी जीरो होगी, दूसरे केस में भी जीरो होगी, तीसरे केस में टॉर्क नेट जीरो नहीं होगा। भैया देखो कौन बोला ये पहले बताओ, कौन बोला? अभिषेक। अभिषेक
कौन सा थीटा, कहाँ का थीटा, कैसा थीटा, डट के बैठ गए, पीई साइन थीटा होता है, थीटा कौन सा एंगल होता है ये बताओ। सर जो इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल मोमेंट के साथ बनाता है। बिल्कुल ठीक, ठीक है तो तुम थोड़ा पढ़ के आयो आगे का, ठीक है मैं सिखाऊंगा ना, वही तो सिखाने वाला हूँ कि भाई हमारा टॉर्क, टॉर्क कैसे निकालेंगे। गाइस यहां तक का समझ में आया कि नहीं आया, कि पहले दो केस में टॉर्क जीरो है, फोर्स नेट तो हमेशा जीरो होगा, और टॉर्क नेट हो सकता है जीरो हो और हो सकता है जीरो ना हो, गॉट इट और नॉट। तो मैंने कहा भाई इन जनरल बात करते हैं, नोट करना था एक मिनट। अरे तो इसमें इसमें नोट क्या कर रहे थे भाई, करो करो जल्दी करो। हाँ गाइस मैं क्या कह रहा था, ऐसे है इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और उसके बाद ऐसे है हमारा डाइपोल, और मान लो मैंने इस एंगल को थीटा बोल दिया, और ये लेंथ ऑफ डाइपोल है एल, ये है हमारा माइनस क्यू, ये है हमारा प्लस क्यू, सही है। तुम ये बताओ कि इस पे फोर्स किधर लगेगा, क्यू ई इधर की तरफ, और इधर फोर्स लगेगा इधर की तरफ क्यू ई। बेटा किस किस को दिखाई दे रहा है कि ये फोर्सेस क्या बना रही हैं, कपल। और किसी को अगर रोटेशन याद आ रहा है तो मैंने कहा था कपल के कारण टॉर्क इज सेम अबाउट एनी पॉइंट, किसको, किसी को ये चीज याद आई है या नहीं आई है। Yes. कि कल कोई कहे टॉर्क निकाल दो, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो टॉर्क निकालने का मेरा क्या होता था, मैं कहता था टॉर्क इज समथिंग व्हिच इज नॉट डिफाइंड अनलेस यू स्पेसिफाई अ पॉइंट जिसके अबाउट टॉर्क निकालनी है। लेकिन मैंने कहा था एक पर्टिकुलर केस होता है कपल वाला केस, जिसके अंदर टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट कम्स आउट टू बी सेम, गॉट इट और नॉट। अरे हाँ ना मैं बोलो कि हाँ सर समझ में आ गया। यस सर, यस सर, मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि मान लो ये बॉडी है, मान लो ये बॉडी है, मैंने कहा था कपल ये होता है जब सेम मैग्नीट्यूड की फोर्स उल्टी डायरेक्शन में लगे। अब तुम ये बता दो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है, ये रेडियस आर है, ये रेडियस आर है, ये डिस्टेंस एक्स है, व्हाट इज नेट टॉर्क अबाउट ए, व्हाट इज नेट टॉर्क अबाउट ए, वो इस वाले के कारण होगा एफ इंटू 2R इस डायरेक्शन में, बोलो हाँ। व्हाट इज नेट टॉर्क अबाउट B, ऊपर वाले के कारण होगा F इंटू R इस डायरेक्शन में, नीचे वाले के कारण होगा F इंटू R इस डायरेक्शन में, बोलो हाँ। हर परपेंडिकुलर F से निकाल रहा हूं टॉर्क, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ऐसी तो होता है। नेट टॉर्क अबाउट C कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा ऊपर वाले के कारण F इंटू 2R ऐसे। टॉर्क अबाउट, नेट टॉर्क अबाउट डी कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा एफ इंटू ऊपर वाले एफ के कारण एफ इंटू टू आर प्लस एक्स ऐसे, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू आर प्लस एक्स हो जाएगा, और नीचे वाले के कारण हो जाएगा ऐसे, दैट विल बी माइनस एफ एक्स। तो अल्टीमेटली आंसर क्या निकला, एफ इंटू टू आर। तो इस वाले केस में टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट कम्स आउट टू बी सेम, ये कपल वाला केस है। और अगर अदरवाइज देखा जाए, ये चीज मैंने क्लास 11th के अंदर बिल्कुल शुरुआत में कराई थी, सबसे पहले चैप्टर के अंदर वेक्टर्स एंड फोर्सेस में, एम आई राइट? इस केस में नहीं होगा। देखो अगर एफ इधर लगा दिया, एफ इधर लगा दिया, तुम डिफरेंट पॉइंट्स के अबाउट टॉर्क निकालो, इस केस में डिफरेंट पॉइंट्स के अबाउट टॉर्क अलग अलग आएगी। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये आर है, ये आर है, और ये एक्स है। तो टॉर्क नेट अबाउट, टॉर्क नेट अबाउट ए कितना आ जाएगा, टॉर्क नेट अबाउट ए आ जाएगा एफ इंटू टू आर ऐसे, टॉर्क नेट अबाउट बी आ जाएगा एफ आर ऊपर वाले के कारण ऐसे, और एफ आर नीचे वाले के कारण ऐसे, तो दैट इज जीरो। टॉर्क नेट अबाउट सी आ जाएगा एफ इंटू टू आर ऐसे, ऊपर वाले के कारण, नीचे वाले के कारण जीरो, तो नेट टॉर्क ऐसे हो गया। टॉर्क नेट अबाउट डी आ जाएगा एफ इंटू टू आर प्लस एक्स ऐसे, प्लस एफ एक्स वो भी ऐसे। तो इस केस में तुम्हें दिखाई दे रहा होगा टॉर्क इज समथिंग विच इज डिफरेंट अबाउट डिफरेंट पॉइंट्स, गॉट इट और नॉट? बट इन द केस ऑफ अ कपल द टॉर्क नेट अबाउट एनी पॉइंट इन द यूनिवर्स इज गोइंग टू बी व्हाट, सेम। समझ में आई बात या नहीं आई?
यस सर लिख लिया नो सर एक मिनट एक मिनट सर हो जाए तो बता देना मैं तुम्हारा एक सेकंड ना हुआ हो गया हो गया हो गया सर यस सर ठीक है जूम हो गया मैं ये कहना चाह रहा था गाइस ये हमारा डाइपोल था और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे थी यूनिफॉर्म ये एंगल थीटा था ये लेंथ एल था ये पॉजिटिव था ये नेगेटिव था इधर फोर्स लगी क्यू ई इधर फोर्स लगी क्यू ई और कोई बोले टॉर्क नेट निकालो तो क्या मैं ये कह सकता हूँ टॉर्क नेट अबाउट एनी पॉइंट निकाल लो अगर मैं एनी पॉइंट निकाल रहा हूं तो चाहूं तो मैं इस पॉइंट के अबाउट निकाल लूं हाँ या ना इस पॉइंट के अबाउट अगर मैं निकालूंगा तो एक लाइन में निकल जाएगा इस वाले क्यूई के कारण तो टॉर्क होगा ही नहीं और इस वाले को एक्सटेंड करूंगा यहां से परपेंडिकुलर गिराऊंगा ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल थीटा है तो ये लेंथ कितना हो गया एल साइन थीटा तो डायरेक्शन क्या हो गई टॉर्क की ऐसे हो गई और टॉर्क की डायरेक्शन हो गई क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज हो गया क्यू ई एल साइन थीटा किस किस को समझ में आया हाँ या ना यस सर इसको ऐसे भी लिख देते हैं क्यू और एल को लिख दो पी तो ये आ गया पी ई साइन थीटा लोगों को इससे इससे तसल्ली नहीं होती क्योंकि लोगों को चाहिए अच्छा सा फॉर्मूला समझ में आ रहा है तो अच्छा सा फॉर्मूला कैसे बन जाएगा कि हमने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड थी ऐसे और पी वेक्टर था ऐसे और ये दोनों के बीच का एंगल था थीटा यही तो था ये प्लस क्यू था ये माइनस क्यू था तो टॉर्क की डायरेक्शन कैसे हुई इसको ऐसे लिख दिया टॉर्क को पी क्रॉस प्रोडक्ट विद ई Got it or not? P cross product with E. Cross product में याद करो angle between two vectors. Angle between two vectors हमारा इस केस में theta है तो आंसर क्या आ जाएगा पी ई साइन थीटा अच्छा क्रॉस प्रोडक्ट में राइट एंड थंब रूल लगाते हैं तो क्या कहेगा P cross E. P इधर की तरफ है E इधर की तरफ है राइट एंड थंब रूल कैसे लगेगा P पे अपनी उंगलियां रखो P पे अपनी उंगलियां रखो और E की तरफ कर्ल करो E की तरफ कर्ल करो तो एक्चुअली तो इनटू द प्लेन है क्रॉस प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड का डायरेक्शन इनटू द प्लेन ना करके कर्ल देखो कर्ल कर्ल की डायरेक्शन में घूमेगा ये तो कर्ल की डायरेक्शन ऐसे बन रही है नहीं बन रही है ये बताओ किस किस को समझ में आया बोलो हाँ यस सर यस सर तो इसके ऊपर टॉर्क किस डायरेक्शन में लग रही है पी वेक्टर घूम के ई वेक्टर की तरफ जाना चाह रहा है पी वेक्टर घूम के ई वेक्टर की तरफ जाना चाह रहा है गॉट इट और नॉट किस किस को समझ में आया यस सर तो वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिख देते हैं पी क्रॉस प्रोडक्ट विद ई अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमसे कहा जाए अगर पी वेक्टर और ई वेक्टर सेम डायरेक्शन में टॉर्क कितना हो जाएगा जीरो और पी वेक्टर और ई वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में है तो भी टॉर्क कितना हो जाएगा जीरो ये दोनों इक्विलिब्रियम के पॉइंट्स हैं ये दोनों इक्विलिब्रियम के पॉइंट्स हैं कौन सा रोटेशनल इक्विलिब्रियम कौन सा इक्विलिब्रियम रोटेशनल इक्विलिब्रियम गॉट इट और नॉट अब
अगर मैंने इस पहले वाले केस में हल्का सा घुमाया ऐसे, तो टॉर्क किधर लगेगी? ऐसे, बोलो हाँ। या इधर घुमाया तो टॉर्क कैसे लगेगी? ऐसे। इसको बोल देते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम क्यों है? जिस इक्विलिब्रियम वाले पॉइंट से घुमाया उसकी तरफ वापस आने की कोशिश कर रहा है। नीचे वाला पॉइंट अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का पॉइंट है। क्यों? क्योंकि तुमने हल्का सा ऐसे घुमाया, टॉर्क की डायरेक्शन कैसे होगी? ऐसे होगी या नहीं होगी? पी क्रॉस ई, पी क्रॉस ई। अगर इधर की तरफ घुमा दिया तो टॉर्क इधर की तरफ लगेगी। ये वाला पॉइंट हो जाएगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, क्योंकि अगर इक्विलिब्रियम से घुमाया तो ये कहां चला जाएगा? ये पूरा घूम जाएगा, ये पूरा घूम जाएगा। ये कहानी क्या मैं कह सकता हूं, स्टार्टिंग में जो मैंने बनाई थी ये वैसा ही बन रहा है। कहां से? इस वाले में देखो, पहले वाले केस में हल्का सा मैंने इसे अगर ऐसे घुमाया तो फोर्स लग रही है ऐसे एंड ऐसे, तो ये वापस आने की कोशिश कर रहा है, स्ट्रेट होने की कोशिश कर रहा है। बोलो हाँ, स्टेबल इक्विलिब्रियम है। और ये वाला अनस्टेबल है क्योंकि इसके अंदर हल्का सा अगर तुमने घुमाया तो इस ग्रीन वाले में फोर्स इधर लग रही है और इस पे इधर लग रही है। क्या मैं कह सकता हूं ये पूरा घूम जाएगा ऐसे? किस किस को फील आई? तो ये वाला अनस्टेबल बनेगा। अरे हाँ है ना, मैं जवाब दे सकते हैं? यस सर। तो कई बार ये भी कह देते कौन सी एंगल की थीटास की वैल्यू पे स्टेबल है। मैंने कहा थीटा इक्वल टू जीरो डिग्री पे, थीटा इक्वल टू जीरो डिग्री पे स्टेबल इक्विलिब्रियम है। थीटा इक्वल टू, ये वाला केस कौन सा है? एंगल बिटवीन पी एंड ई इज जीरो डिग्री, ये स्टेबल वाला केस है। ये थीटा इक्वल टू 180 डिग्री वाला जो केस है जिसमें पी वैक्टर इधर था, ई वैक्टर इधर था, दोनों के बीच का एंगल 180 था, ये हमारा अनस्टेबल वाला केस है। किस किस को ये चमक गया है गाइज? Everybody got it or not? Yes, sir. कहां से पॉज रह गया था भाई? कहां से? टॉर्क से? I think जो मतलब आपने जो येलो से लिखा है इसमें ब्लैक में, वहां से एक्सेस नहीं हुई है। अच्छा, वहां से रिकॉर्डिंग नहीं हुई है, स्टेबल और अनस्टेबल रह गया, स्टेबल और अनस्टेबल रह गया, तुम ये कहना चाह रहे हो? ठीक है यार, समझ तुम्हें तो आ ही गया होगा। बता भी सकते थे भाई, पहले लिख लो या मैं दोबारा लिखवा देता हूं यार, चलो रिकॉर्ड भी हो ही जाएगा। मैं ये कह रहा हूं पी वेक्टर, ई वेक्टर इधर है और पी वेक्टर इधर है, ठीक है? तो यहां से अगर मैं इसको, ये भी इक्विलिब्रियम है क्योंकि यहां पे टॉर्क जीरो है। टॉर्क कैसे डिफाइंड था? पी क्रॉस ई। इस केस में एंगल थीटा इक्वल टू जीरो डिग्री है, इसमें टॉर्क जीरो होगा, ये इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट है। लेकिन ये कैसा इक्विलिब्रियम है? ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। ये स्टेबल इक्विलिब्रियम इसलिए है क्योंकि इसको अगर मैं हल्का सा घुमा के छोड़ दूं, इसको अगर मैं हल्का सा घुमा के छोड़ दूं, यहां पर थीटा से घुमाया पी को और छोड़ दिया, टॉर्क की डायरेक्शन ऐसे लगेगी या नहीं लगेगी? टॉर्क कैसे सोचा था हमने? टॉर्क इज पी क्रॉस प्रोडक्ट विद ई, हाँ या ना? दैट इज पी ई साइन थीटा। और डायरेक्शन कैसे सोचोगे? पी क्रॉस ई किया तो ऐसे बन रहा है, नहीं बन रहा है? पी पे हाथ रखा हमने, ई की तरफ घुमाया, तो जो हाथ का कर्ल है उसकी डायरेक्शन में घूमेगा ये, तो ये ऐसे घूमेगा। गॉट इट और नॉट? अगर मैंने इसको यहां की जगह नीचे की तरफ घुमा दिया होता, इसको अगर मैंने ऐसे घुमाया होता पी से, पी को, तो इधर की तरफ टॉर्क लगता। तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम इसलिए भी है क्योंकि ये वापस इक्विलिब्रियम वाले पॉइंट की तरफ आने की कोशिश कर रहा है। तो अगर मैं इसको पी वेक्टर को हल्का सा घुमा के छोड़ दूं तो ये इधर जाएगा, और अगर नीचे घुमा के छोड़ दिया तो ये वापस आएगा। सो दिस इज अ पॉइंट ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इधर की तरफ है और पी वेक्टर इधर की तरफ है, इक्विलिब्रियम इसमें भी है क्योंकि टॉर्क इसमें भी जीरो हो जाएगा, पी क्रॉस प्रोडक्ट विद ई, यहां पे भी टॉर्क जीरो है, पी साइन 180 वो भी जीरो है, लेकिन ये पॉइंट अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का पॉइंट है। किसका पॉइंट है गाइस? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। वैसे कौन सा इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, ट्रांसलेशनल या रोटेशनल? ऑब्वियसली रोटेशनल, ऑब्वियसली रोटेशनल। ट्रांसलेशनल तो हमेशा ही है, ट्रांसलेशनल तो हमेशा ही है, एफ नेट तो हमेशा ही जीरो है, यूनिफॉर्म फील्ड में रखेंगे, नेट फोर्स तो लगनी नहीं है। ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है रोटेशनल, क्यों? यहां पे टॉर्क जीरो है, लेकिन अगर मैंने इसको हल्का सा भी घुमा दिया, अगर मैंने इसको हल्का सा भी घुमा दिया तो ये बताओ कि टॉर्क किधर की तरफ लगेगा? ऐसे लगेगा ना, ये पूरा नहीं घूम जाएगा,
अगर मैंने इसको ऐसे घुमा के छोड़ दिया तो ये पूरा नहीं घूम जाएगा. तो दिस इज द पॉइंट ऑफ दिस सिचुएशन इज अ पॉइंट ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, क्योंकि हल्का सा भी यहां से घुमा दूं तो ये पूरा घूम जाता है. तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कब होता है, जब p वेक्टर एंड e वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री. थीटा इक्वल टू 180 डिग्री. जब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है तब हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम है. इसी चीज को दोबारा कैसे सोच सकते थे, जैसे स्टार्टिंग में मैंने डायग्राम बनाया था इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और मान लो मैंने डाइपोल को ऐसे रख दिया, मान लो मैंने डाइपोल को ऐसे रख दिया, ये पॉजिटिव है प्लस क्यू, ये माइनस क्यू है, यहां पर इधर क्यू ही लग रहा है, यहां पर इधर क्यू ही लग रहा है, ये पॉइंट ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम है. स्टेबल क्यों है, क्योंकि मैंने साइड में लेके गया तो क्यू ही इधर लग रहा है और इधर वाले पे क्यू ही इधर लग रहा है. क्या मैं ये कह सकता हूँ ये दोबारा ऐसे घूम के स्ट्रेट होना चाह रहा है, गॉट इट और नॉट, वापस आना चाह रहा है. लेकिन अगर मान लो मैंने डाइपोल पे ये माइनस क्यू रखा, ये प्लस क्यू रखा, इस पे फोर्स कैसे लगेगा गाइस, इस पे फोर्स इधर लगेगा क्यू ई, इस पे इधर फोर्स लगेगा क्यू ई. यहां पर मैंने इसे घुमा दिया, जब मैंने इसे घुमा के यहां पर रखा तो इस पे इधर फोर्स लग रहा है क्यू ई, इस पे इधर फोर्स लग रहा है क्यू ई. क्या मैं कह सकता हूं ये पूरा घूम जाएगा, हाँ या ना? Yes, sir. ये पॉइंट ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया, ये पॉइंट ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया. एवरीबडी गॉट इट और नॉट? आगे बढ़े गाइस. यस सर. अच्छा जी, और ये जो टॉर्क बताई थी ये अबाउट विच पॉइंट थी, अबाउट विच पॉइंट थी? क्या मैं कह सकता हूँ दिस इज टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट, एनी पॉइंट. अब कोई ये बता दे टॉर्क, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा कब लिख सकते हैं? जो बच्चे मुझसे 11th क्लास में पढ़े हैं वो बताएंगे, उनको पता होना चाहिए कि टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा इज नॉट अ जनरल सॉल्यूशन, जनरल इक्वेशन. टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा इज नॉट अ जनरल इक्वेशन, इट इज नॉट अ जनरल इक्वेशन. निशा? यस सर. ये जनरल इक्वेशन नहीं है ना टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, ये तीन सिचुएशंस में एप्लीकेबल होती है. अगर फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन वाले क्वेश्चन हैं, तो टॉर्क अबाउट हिंज इज आई हिंज अल्फा होता है. अगर जनरल रिजिड बॉडी मोशन है तो टॉर्क अबाउट सीएम इक्वल टू आई सीएम अल्फा होता है. और जनरल रिजिड बॉडी मोशन के अंदर एक हमने ढूंढ लिया इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो जीआरबीएम के अंदर टॉर्क अबाउट इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन इज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन इनटू अल्फा लगा सकते हैं. तो इन तीन सिचुएशंस में ही हमारा टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा लगता है. ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क इज आई अल्फा लगा दोगे. किस किस को मेरी बात समझ में आई? इसीलिए मैंने आई थिंक SHM पढ़ाते हुए भी समझाया था कि भाई देखो टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा जब लगा रहे हो वो बेसिकली किसी पॉइंट पी के अबाउट लगा रहे हो. टॉर्क अबाउट पी इज आई पी अल्फा, और जो पी पॉइंट है वो या तो FAOR का पॉइंट होता है या सेंटर ऑफ मास होता है या हमारा इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है. एंड फॉर फर्दर डिटेल्स रेफर टू माय रोटेशन लेक्चर्स, फॉर फर्दर डिटेल्स रेफर टू माय रोटेशन लेक्चर्स. बोलो. हाँ बिल्कुल बेसिक. यस सर. अब तुम कहोगे ऐसी कहानी हमने क्यों बोली, हमने ऐसी कहानी क्यों बोली, मेरी मर्जी. मैंने कहा सपोज करो ऐसे है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और चलो तुम कोई अगर रख के बैठा है तो उसका गलत करवाते हैं. मान लो हमारे पास ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड है और हमने कह दिया भाई ये एंगल 30 डिग्री है, ठीक है, इस ये चार्ज की वैल्यू है क्यू, इस चार्ज की वैल्यू है माइनस क्यू, इस चार्ज का मास है एम नॉट, इस चार्ज का मास है एम नॉट, और सपोज मैंने रॉड का मास ले लिया कैपिटल एम और रॉड का लेंथ ले लिया एल और इस पूरे को रख दिया ग्रेविटी फ्री स्पेस में. किस में रख दिया गाइस? ग्रेविटी फ्री स्पेस में.
और इसको जैसे ही मैंने रिलीज किया, जैसे ही मैंने रिलीज किया, फाइंड एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, फाइंड एंगुलर एक्सेलरेशन। किस किस को समझ में आया क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा हूं? क्या मैं कह सकता हूं मैं रोटेशन का क्वेश्चन बना रहा हूं? यस सर। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिख लो तो बता देना। लिख लिया सर। सर वेट करना एक सेकंड। ओके। हो गया? यस सर, हो गया। गुड। अब मैं ये कहता हूं, सपोज करो इस पे टॉर्क कितनी लगेगी, टॉर्क कितनी लगेगी? टॉर्क लगेगी इस डायरेक्शन में, चलेगा? टॉर्क की वैल्यू हो जाएगी पीई साइन 60 होगी बेटा, ध्यान रखना। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स वुड बी 60 नॉट 30। पहली बात तो ये समझ में आनी चाहिए, क्योंकि ये पी वेक्टर है और ये ई वेक्टर है और इनके बीच का एंगल 60 डिग्री है, 30 नहीं है। मैं तो चाहता था कोई गलत करे, हाँ या ना? E हो गया क्यू एल ई, साइन 60 हो गया रूट 3/2। अब ये बता दो जो ये टॉर्क है, ये मैंने कपल में कहा था किसी भी पॉइंट के अबाउट इतनी ही होगी, क्या मैं कह सकता हूं सेंटर ऑफ मास के अबाउट भी यही होगी? एफ नेट जीरो है, एफ नेट जीरो है, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो है, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास तो कभी चलेगा ही नहीं, तो सेंटर ऑफ मास हमेशा रेस्ट पे रहेगा और ये रॉड किसके अबाउट घूमेगी, इस एक्सिस के अबाउट घूमेगी या नहीं घूमेगी? किस किस को बात समझ में आ रहा है? क्योंकि एफ नेट जीरो है, एफ नेट जीरो है तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो है, इसका मतलब दिस रॉड विल रोटेट अबाउट सेंटर ऑफ मास। तो क्या मैं कह सकता हूं इसकी एंगुलर एक्सेलरेशन निकालनी है, क्या मैं टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा लगा सकता हूं अबाउट सेंटर ऑफ मास? यस सर। तो कितना आ जाएगा? क्यू ई एल रूट 3/2 अपॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास इज एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा इस डायरेक्शन में। किस किस को चमका गाइस? यस सर। बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? यहीं पे गलती कर देगा बच्चा, पहली बता रहा हूं मैं, यहां पे गलती कैसे होगी? मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा रॉड का, हो जाएगा एम एल स्क्वायर बाय 12 प्लस एम नॉट एल बाय 2 का स्क्वायर इनटू ट्वाइस। कैन आई से दैट? अब कोई रट के बैठ रहा है तो निपट जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन वाला ना, कभी तो ये क्वेश्चन मेंस या नीट में आएगा, रॉड को मासलेस ले लेंगे तो सिर्फ सेकंड वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, कभी वो कह देगा चार्जेस को मासलेस ले लेगा तो सिर्फ रॉड का होगा, बोलो हाँ या ना? समझे कि नहीं समझे? मैंने जनरल केस लिया, मैंने दोनों को मास वाला ले लिया, तुम्हें समझ में आना चाहिए मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकाला है। ये रॉड जो घूमती है इस एक्सिस के अबाउट, तो ml स्क्वायर बाय 12 होता है, बोलो हाँ। और पॉइंट मासेस का इस एक्सिस के अबाउट क्या हो जाएगा? mr स्क्वायर। r स्क्वायर कितना हो जाएगा? l बाय 2 का स्क्वायर। गॉट इट और नॉट? यस सर। एंड दैट्स योर एनसीईआरटी क्वेश्चन, दैट्स योर एनसीईआरटी क्वेश्चन, दैट्स नॉट कंपटीशन की किसी किताब में दिया है, एनसीईआरटी में दिया है। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। और गलती कहां करोगे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया में गलती करोगे? नहीं, कोई तो हो सकता है टॉर्क निकालने में भी कर दे। अगर मान लो इसी क्वेश्चन का भाई बंधु क्वेश्चन मैं बनाऊं,
स्टेबल इक्विलिब्रियम था, स्टेबल इक्विलिब्रियम था, वहां से हल्का सा थीटा रोटेट करके छोड़ दिया, फाइंड टाइम पीरियड ऑफ एचएचएम, स्टेबल इक्विलिब्रियम था, उससे हल्का सा थीटा घुमा के छोड़ दिया गया, फाइंड टाइम पीरियड ऑफ एचएचएम, निकल जाएगा? किस किस को समझ में आया क्वेश्चन? निशा, एचएचएम करेगा? हाँ. क्यों करेगा वैसे? वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में वो थीटा के प्रोपोर्शनल आना चाहिए, थीटा के प्रोपोर्शनल आना चाहिए, रिस्टोरिंग अंदर की तरफ आएगा, मतलब ये हमारा होगा, ये हमारा माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, क्या होगा यहाँ पे? टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास जीरो है, इसको हल्का सा घुमाया, क्या कह रहे थे भाई, थीटा से घुमा दिया, अब टॉर्क कैसे लगेगी? ऐसे लगेगी ना, टॉर्क कितनी हो जाएगी? एनसीईआरटी में तो एक लाइन में लिखा है पीई साइन थीटा, इसको लिख दिया थीटा छोटा है तो पीई थीटा इज आईसीएम अल्फा, अल्फा इज ओमेगा स्क्वायर थीटा, अल्फा इज रिस्टोरिंग, बोलो हाँ, क्योंकि टॉर्क रिस्टोरिंग है, एंगुलर एक्सेलरेशन भी इस डायरेक्शन में है, तो सीधा कह दिया कि ओके ओमेगा का रोल क्या प्ले कर रहा है, पीई बाय आईसीएम, गॉट इट और नॉट? टाइम पीरियड ऑफ एचएचएम हो गया 2 पाई रूट ऑफ आईसीएम बाय पीई, लेकिन मैं बता दूं एनसीईआरटी में इतना सा लिखा है जितना मैंने अब लिखा है, और ये क्वेश्चन बच्चे ना स्कूल का लेवल का जो पढ़ के बैठे हैं वो 100% गलत करते हैं, और वो गलती कहां करते हैं ये बता दो, वो आईसीएम में गलती करते हैं, कहां गलती करते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हां आईसीएम में गलती ऐसे करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में ये थोड़ी दिया होगा, ये तो फॉर्मूला एनसीईआरटी वाले ने लिख दिया, समझ में आते हो, किसी को आया नहीं है भाई, रॉड की फिर मास दे देंगे एम एल, पॉइंट चार्ज दे देंगे एम नॉट, एम नॉट, आईसीएम की जगह क्या लिखना पड़ेगा, एम एल स्क्वायर बाय 12 प्लस एम नॉट एल बाय 2 का स्क्वायर इनटू ट्वाइस, पी को क्या लिखोगे, क्यू एल, गॉट इट और नॉट? ये हो गया, ये डाइपोल हमारा ऐसे ऐसे चम करेगा, ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा, ऐसे छोड़ दिया ना, ट्राई 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 ट्राई, हाँ या ना? यस सर, सबको समझ में आया कि नहीं आया? तो दिस वाज एसएचएम ऑफ डाइपोल इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एसएचएम ऑफ डाइपोल इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, गाइस लिख लो तो बता देना, क्या दोबारा पूछो, क्या पूछो? अगर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता तो एसएचएम नहीं होता, एसएचएम नहीं होता, पीरियोडिक मोशन होता, पीरियोडिक मोशन होता, पीरियोडिक मोशन तो इसलिए होता, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और मैंने डाइपोल को ऐसे छोड़ा और ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ऐसे ऐसे एक्सेलरेट करेगा, यहाँ पे आते आते एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी, अब रिटार्डेशन करेगा तो यहां तक तो जाएगा, फिर ऐसे आएगा आएगा एक्सेलरेट करेगा, फिर यहां पर यहां तक आते आते एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगी, फिर एंगुलर वेलोसिटी कम होगी क्योंकि रिटार्डेशन होगा, फिर यहां तक आएगा कि नहीं आएगा? तो ये पीरियोडिक मोशन तो है, परंतु इसके अंदर टॉर्क रिस्टोरिंग या एंगुलर एक्सेलरेशन रिस्टोरिंग इज नॉट प्रोपोर्शनल टू थीटा फ्रॉम द मीन पोजिशन, क्योंकि एसएचएम की कंडीशन, पीरियोडिक मोशन तो यह भी हो सकता है मैं कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से एक्सेलरेट करूं, फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से रिटार्ड करूं और फिर वापस आऊं, कांस्टेंट रिटार्डेशन करते करते स्टॉप होके वापस एक्सेलरेट हुआ और फिर दूसरी तरफ जाके फिर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन चेंज कर दूं, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट करके भी मैं पीरियोडिक मोशन कर सकता हूं या नहीं कर सकता? बट एवरी पीरियोडिक मोशन इज नॉट एसएचएम, एसएचएम की एक स्पेसिफिक कंडीशन होती है, फोर्स रिस्टोरिंग शुड बी प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजिशन, या टॉर्क रिस्टोरिंग शुड बी प्रोपोर्शनल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजिशन,
या एंगुलर एक्सेलरेशन शुड बी रिस्टोरिंग प्रोपोर्शनल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजिशन, और अनपढ़ों की भाषा में अल्फा प्रोपोर्शनल टू थीटा एंड रिस्टोरिंग, अल्फा रिस्टोरिंग प्रोपोर्शनल टू थीटा. गॉट इट? यस सर. अब समझ में आई बात या नहीं आई? तो पीरियोडिसिटी तो हमेशा होगी परंतु एसएचएम नहीं होगा. ठीक है, यहां तक का हो गया तो बता देना, आगे बढ़े. सर एक नोट करना, ज्यादा स्पीड तो नहीं मार रहा हूं, बोल सकते हो. हाँ गाइज, मैं ये कह रहा था यहां तक का हो गया. सपोज करो एसएचएम वाला भी करा दिया मैंने. एक चीज और, दो दो टॉपिक और बचे डाइपोल में. कौन है भाई? दो टॉपिक और बचे हैं. एक टॉपिक तो मैंने करा दिया, एक तो डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कराया था, पोटेंशियल कराया था, इलेक्ट्रिक फील्ड कराया था, पोटेंशियल कराया था. एक करा दिया डाइपोल इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड, बोलो. हाँ, और इसके अंदर मैंने करा दिया टॉर्क. एक और भी होता है पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी. ये टॉपिक और बचा है, और लास्ट टॉपिक बचा है डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड, डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड. पहले तो पोटेंशियल एनर्जी वाले का फॉर्मूला ही बता दूं, खत्म कहानी. हमने कहा भाई मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और डाइपोल ऐसे है, ये एंगल है थीटा, तो पोटेंशियल एनर्जी यू से डिनोट करते थे ना, पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी इज डिफाइंड एज माइनस ऑफ पी डॉट प्रोडक्ट विद इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल, डॉट प्रोडक्ट विद इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल. कितना आ गया गाइस? माइनस पीई कॉस थीटा, माइनस पीई कॉस थीटा. गॉट इट? ऐसे डिफाइंड है. इसके अंदर हमारा क्या है, देखो पोटेंशियल एनर्जी कभी भी एब्सोल्यूट वैल्यू डिफाइंड नहीं होती, हमेशा रिलेटिव होता है. तो इसके अंदर भी कुछ रेफरेंस लेवल लिया गया है, इसमें भी कुछ रेफरेंस लेवल लिया गया है, खुद से देख सकते हैं इसके अंदर कैसे होगा. मान लो हमने कहा P इधर है और E इधर है, मान लो E भी इधर है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? माइनस पी ई कॉस जीरो, ये हो गया माइनस पी ई. गॉट इट और नॉट? अगर मान लो मैंने P इधर ले लिया एंगल 60 पे, अब पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? माइनस पी ई cos 60 माइनस पीई बाई 2, चलेगा? मान लो p वेक्टर इधर है, ये 90 है, यहां पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? माइनस पीई cos 90, दैट्स जीरो. ये रेफरेंस लेवल है, सही पूछा जाए तो ये रेफरेंस लेवल है. अगर मान लो हमने P इधर ले लिया और ये एंगल 60 ले लिया और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इधर है, इस केस में पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? माइनस PE cos, बेटा 120 आएगा ना, cos 60 तो नहीं आएगा, एंगल एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स तो 120 होगा. कितना हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी? प्लस PE बाय 2. सही है कि नहीं है? yes. और अगर मैंने इधर की तरफ ले लिया P, इस केस में पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा? इस केस में पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा माइनस PE cos 180, ये हो जाएगा प्लस PE. गॉट इट? क्या मैं ये कह सकता हूं पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू माइनस PE और प्लस PE के बीच में लाई करेगी, और जब डाइपोल परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड है उस केस में पोटेंशियल एनर्जी कितनी मानी है हमने? जीरो मानी है. अब तुम्हें याद आ रहा होगा जो स्टेबल इक्विलिब्रियम होता था वहां पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती थी,
बताओ मिनिमम कब है? पर्पल वाले में है मिनिमम। ओए माइनस सॉरी पर्पल में, पर्पल में, पर्पल में है। मैं क्या कह रहा हूँ, परपेंडिकुलर में नहीं है, पर्पल में है। माइनस पीई इज स्मॉलर देन जीरो, सही है। तो दिस दैट वाज द पॉइंट ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। और ब्लू वाले में, लाइट ब्लू वाले में मैक्सिमम है। हाँ उससे ज्यादा तो नहीं होगी। यस सर, दिख रहा है ना? तो दैट इज द पॉइंट ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। सबको समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। जहां पर पोटेंशियल एनर्जी, जहां पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है, जहां पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है वो पॉइंट ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। जहां पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है वो पॉइंट ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। ये शायद मैंने क्लास 11th में एक ग्रेविटी वाले एग्जांपल से समझाया था, कि मैंने कहा था अगर ऐसा सरफेस है तो यहाँ पर अगर रखूं तो दिस इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का लोकल मैक्सिमा, तो यहाँ से अगर मैं शिफ्ट करूंगा तो वो यहाँ से दूर भागेगा, तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी का लोकल मैक्सिमा था। यहाँ पर अगर ऐसे रख देता हूँ, और हमने कहा कि यहाँ पर डब्बा रख दिया, इसको साइड में लेके जाऊंगा तो ये वापस आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि दिस वॉज द पॉइंट ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम, क्योंकि दिस इज द लोकल मिनिमा ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी का लोकल मिनिमा है। मैथमेटिकली स्पीकिंग, मैथमेटिकली स्पीकिंग पोटेंशियल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स है, तो जहां पर डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो होगा दैट विल बी इक्विलिब्रियम। और जहां पर हमारा क्या बोलते हैं डी स्क्वेयर यू बाई डी एक्स स्क्वेयर पॉजिटिव होगा वो पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा, वो पॉइंट ऑफ स्टेबल हो जाएगा। और डी स्क्वेयर यू अपॉन डी एक्स स्क्वेयर जहां पर नेगेटिव है वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा, वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। एंड दिस वॉज ऑल वी टॉक्ड अबाउट इन वॉट वर्क एंड एनर्जी इन क्लास 11th। किस किस को चमक गया है, याद आ रहा है कुछ कुछ? यस यस, लिख लो तो बता देना। शुड आई स्लो डाउन अ बिट, मे बी अ लिटिल? थोड़ा जूम आउट भी कर देते हैं, बच्चे भी खुश हो जाएंगे। और जूम आउट करें क्या? दिख ही नहीं रहा, दिखने में आ रहा है नहीं आ रहा है? जल्दी से लिख लो। आ रहा है। हाँ गाइस, कहां तक पहुंच गए थे हम? मैंने क्या करा दिया था यार, ये पोटेंशियल एनर्जी में जो मैंने कराया इसका यूज बताऊं क्या हो सकता है? ऐसे सोचो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहां पे था ये प्लस क्यू था और ये माइनस क्यू था और ग्रेविटी फ्री स्पेस थी, और मान लो ये एंगल ले लो 60। यहां से छोड़ दूंगा तो यहां पर इस इंस्टेंट पे एंगुलर वेलोसिटी कितनी है? जीरो, क्योंकि हमने यहां से क्या किया, रिलीज किया रेस्ट से। अब कौन कौन, किस किस को समझ में आ रहा है कि मोशन कैसा होगा? अब ये एक्सेलरेट करेगा अल्फा से, ऐसे टॉर्क लगेगी, ये ऐसे एक्सेलरेट करेगा और ये एक्सेलरेट करता ही जाएगा जब तक ये यहां ना पहुंच जाए। किस किस को समझ में आ रहा है? इस इंस्टेंट पे अल्फा जीरो होगा, टॉर्क जीरो होगा, लेकिन यहां तक तो एक्सेलरेट किया है, तो क्या मैं कंक्लूड कर सकता हूं कि यहां पर एंगुलर वेलोसिटी आ चुकी होगी? इसके और परे जाएगा तो रिटार्डेशन चालू हो जाएगा, यहां पहुंचेगा तो रिटार्डेशन चालू हो जाएगा। यहां ये प्लस क्यू होगा, ये माइनस क्यू होगा, क्योंकि इस केस में एंगुलर वेलोसिटी तो इस डायरेक्शन में होगी और अल्फा इस डायरेक्शन में होगा। गॉट इट और नॉट? अब कोई कहे जब ये अलाइन हो गया था उस इंस्टेंट पे एंगुलर वेलोसिटी निकालो। यार उस इंस्टेंट पे एंगुलर वेलोसिटी निकालने के लिए टॉर्क वाले मेथड से करना मुश्किल होगा, बताओ क्यों? क्योंकि टॉर्क तुम्हारी वेरिएबल है, टॉर्क इज अ फंक्शन ऑफ थीटा। किस किस को समझ में आई बात या नहीं आई? इफ समबडी सेज इट इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट एट दिस पॉइंट, फाइंड एंगुलर वेलोसिटी व्हेन इट अलाइंस
with E. Find angular velocity at the instant, when it aligns with E. क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया यार? हाँ yes. ना मैं जवाब नहीं दोगे ना मैं काट दूंगा क्लास और यहीं पे क्लास खत्म कर दूंगा. समझ में आ रहा है? सो यू डोंट रिप्लाई. आई एम नॉट इन द मूड ऑफ टेकिंग क्लास. क्वेश्चन समझ में आया है या नहीं आया है? यस सर आ गया. यस सर. कि जिस इंस्टेंट पे वो ई के साथ अलाइन हुआ उस इंस्टेंट पे एंगुलर वेलोसिटी पूछी है. और ये समझ में आ रहा है कि ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से करना चाहिए. ये हमारा टॉर्क वाले मेथड से करना बेवकूफी हो जाएगी. क्यों? क्योंकि टॉर्क विल बी डिपेंडेंट ऑन थीटा, योर एंगुलर एक्सेलरेशन विल बी डिपेंडेंट ऑन थीटा. तुम्हें इंटीग्रेट करके ओमेगा एज अ फंक्शन ऑफ थीटा पे जाना पड़ेगा क्योंकि थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन थोड़ी लग जाएंगे अल्फा वाले पे. समझ में आई बात या नहीं आई? इससे बेटर क्या होगा, मैं वन सिचुएशन से टू सिचुएशन तक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दूं. क्या लगा दूं गाइस? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दूं. गॉट इट और नॉट? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में क्या कह दूंगा? लॉस इन सम एनर्जी इज गेन इन सम एनर्जी. व्हाट वुड बी द लॉस इन एनर्जी? इसको थोड़ा जूम आउट कर देते हैं. व्हाट वुड बी लॉस इन एनर्जी? आई कैन से लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज गेन इन काइनेटिक एनर्जी. किस किस को चमका गाइस? यस सर. लॉस का मतलब क्या होता है? लॉस इन एनर्जी का मतलब क्या होता है? इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी. गेन इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या हो जाएगा? फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. हाँ या ना? यस सर. इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई? PE by 2. अब ये मत कहना कि हमसे इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी PE by 2 नहीं लिखी जा रही. माइनस पी डॉट ई माइनस PE cos 120 इज प्लस PE by 2 माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस PE. दैट इज माइनस PE cos 0. गॉट इट और नॉट? सो दिस बिकम्स 3 by 2 PE. दैट इज 3 by 2 QLE. गॉट इट और नॉट? काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है यार? याद करो, जनरल रिजिड बॉडी मोशन में टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ एम वी सी एम स्क्वायर प्लस हाफ आई सी एम ओमेगा स्क्वायर. बोलो हाँ. यस सर. हाफ एम वी सी एम स्क्वायर प्लस हाफ आई सी एम ओमेगा स्क्वायर इज योर टोटल काइनेटिक एनर्जी इन जनरल मोशन ऑफ रोटेशन. इसके अंदर सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी तो आएगी ही नहीं, तो सिर्फ टोटल काइनेटिक एनर्जी में क्या क्वांटिटी बनेगी? हाफ आई सी एम ओमेगा स्क्वायर. फिर से यहां पर गलती क्या होगी? लोगों को सिंपल सा फॉर्मूला नहीं आता होगा कि यहां पर हाफ आईसीएम ओमेगा स्क्वायर माइनस जीरो करना है. हाफ आईसीएम के अंदर लिख दोगे एम एल स्क्वायर बाय 12 प्लस एम नॉट एल बाय 2 का स्क्वायर का डबल इनटू एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर. किस किस को समझ में आ गया? किस किस को समझ में आ गया? आ गया सर. इसके अंदर मैं ये भी कह सकता हूं गाइस कि इसमें एक क्वेश्चन नहीं 50 बन सकते हैं. ऐसे भी कह सकता था कि यार ये इक्विलिब्रियम पे मैंने ओमेगा दे दिया, खट कितने एंगल तक घूम के वापस आ जाएगा? बोलो हाँ. कह सकता है ना? इसका उल्टा हो गया कि लॉस इन काइनेटिक एनर्जी गेन इन पोटेंशियल एनर्जी. और बोलो, समझे कि नहीं समझे? स्टेबल इक्विलिब्रियम वाले पे ओमेगा दे दिया, ठक तो ऐसे घूमा और फिर रिटायर्ड हो गया ऐसे से. किस किस को समझ में आ रहा है? यस सर. बात समझ में आई या नहीं आई? तो इसका उल्टा भी बन सकता है. तो तुम्हें तो फंडा समझना था कि यार इसके अंदर एनर्जी जो डिफाइन किया था उससे क्या कर सकते हैं हम? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड क्वेश्चन कर सकते हैं. किस पे को बेस्ड क्वेश्चन कर सकते हैं? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड क्वेश्चन कर सकते हैं. और उससे पहले की फंडे समझ में आ जानी चाहिए कि स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, पोटेंशियल एनर्जी कैसे क्या कितनी थी? माइनस पी डॉट ई एक्सटर्नल. एवरीबॉडी गॉट इट और नॉट? यस. ज्यादा से ज्यादा इसके अंदर क्या करना हो सकता है? डेरिवेशन हो सकता है कि ये एनर्जी ऐसे डिफाइंड क्यों है. कह सकते नहीं? कह सकते. वाई एनर्जी इज माइनस पी डॉट ई, वाई एनर्जी इज माइनस पी ई कॉस थीटा. गॉट इट और नॉट? ये डेरिवेशन तुम्हारे सीबीएसई में आ सकता है. किस में आ सकता है? बोर्ड्स में आ सकता है. तो नेक्स्ट टॉपिक इज डेरिवेशन ऑफ माइनस पी डॉट ई.
सबने लिख लिया ये चीज, एवरीबॉडी लिख लिया सर। डेरिवेशन ऑफ, लेट अस से साफ साफ लिखो, डेरिवेशन ऑफ माइनस पी डॉट ई, या ये कहो पोटेंशियल एनर्जीज माइनस पी डॉट ई होती है। क्यों? हमने कहा एक काम करो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड थी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड थी, हमारे पास जो डाइपोल था वो ऐसे था पहले, ऐसे, ये ई है, इस एंगल को बोल दिया थीटा नॉट, ठीक है। फिर कहा इसको स्लोली पकड़ के घुमाना है मुझे सिचुएशन वन से सिचुएशन टू तक, 90 तक। क्वेश्चन इज फाइंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल टॉर्क, फाइंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल टॉर्क इन स्लोली रोटेटिंग डाइपोल फ्रॉम सिचुएशन वन टू सिचुएशन टू। ये मैंने एक क्वेश्चन बनाया, फाइंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल टॉर्क इन स्लोली रोटेटिंग डाइपोल फ्रॉम सिचुएशन वन टू सिचुएशन टू। क्या मैं ये कह सकता हूं किसी इंस्टेंट पे, मान लो डाइपोल यहां पे है पी पे, लेट अस से दिस एंगल इज थीटा, इस इंस्टेंट पे टॉर्क इधर की तरफ लग रही होगी कितनी, ये लग रही होगी पी ई साइन थीटा, बोलो हाँ, वेरिएबल टॉर्क लग रही होगी, किसी एंगल थीटा पे डिपेंडेंट लग रही है। यहां पर मुझे इसे इधर की तरफ घुमाना है तो टॉर्क एक्सटर्नल ग्रीन वाली लगानी पड़ेगी या नहीं लगानी पड़ेगी, और स्लोली कर रहा है ये, स्लोली घुमा रहा है, इसका मतलब टॉर्क एक्सटर्नल शुड बी ऑलमोस्ट टॉर्क, हाँ या ना, ऑलमोस्ट बराबर क्यों कह रहा हूं कि स्लोली घुमाना है तो यहां पे टॉर्क लग रही है मान लो 10 न्यूटन मीटर, तो हम कहेंगे एक्सटर्नल भी तुम्हें उल्टी डायरेक्शन में 10.0001 न्यूटन मीटर लगानी पड़ेगी, बोलो हाँ। यहां पे अगर मैं थोड़ा सा इसको घुमाऊं कितना घुमाऊं, डी थीटा इस डायरेक्शन में, तो ये बता दो छोटा सा वर्क डन बाय टॉर्क एक्सटर्नल कितना हो जाएगा। बच्चों को यही याद नहीं होगा बेटा, छोटा सा वर्क डन बाय फोर्स क्या होता था, एफ डॉट डी आर, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, छोटा सा वर्क डन बाय टॉर्क क्या होता है, टॉर्क डॉट डी थीटा, डॉट प्रोडक्ट होता है टॉर्क और डी थीटा का, हाँ या ना। क्या मैं कह सकता हूं एक्सटर्नल टॉर्क और डी थीटा सेम डायरेक्शन में है, हाँ या ना, या नहीं है, एक्सटर्नल टॉर्क भी एंटी क्लॉकवाइज है, डी थीटा भी एंटी क्लॉकवाइज है, तो छोटा सा टॉर्क क्या हो जाएगा, टॉर्क एक्सटर्नल का मैग्नीट्यूड डी थीटा का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस ऑफ 0 डिग्री, बिकॉज डी थीटा एंड टॉर्क एक्सटर्नल आर इन सेम डायरेक्शन, तो बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री है। किस किस को ये समझ में आया? यस सर। ये तो पक्का याद नहीं होगा, रोटेशन के अंदर हम कहते थे, या पावर भी याद नहीं आ रहा होगा, पावर होती थी टॉर्क के कारण टॉर्क ओमेगा, फोर्स के कारण पावर क्या होती थी, एफ डॉट वी, याद आ रहा है? Yes. यहाँ पे टॉर्क डॉट ओमेगा होता था। कुछ कुछ यादें आ रही हैं, चीजें सब भूल भाल गए सर, आ रही हैं, और ये भी याद आ रहा है कि भाई ऐसी चीजें याद नहीं रहेंगी तो लंका लग जाएगी 12th क्लास में। टॉर्क एक्सटर्नल की वैल्यू कितनी आ रही है, पीई साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब इसका समेशन कर दूं, वर्क डन आ जाएगा, थीटा कहां से कहां तक जाए, थीटा नॉट से 90, बोलो हाँ, यहां से यहां तक ले जाने का वर्क डन निकाल रहे थे। किस किस को समझ में आया?
यार बोल सकते हो सर आ गया सर नहीं आ गया yes, sir. आ गया अब ये कितना आया वर्क डन ये आ गया PE साइन थीटा का इंटीग्रल कितना होता है माइनस कॉस 90 एंड माइनस ऑफ माइनस कॉस थीटा नॉट ये कितना बन गया कॉस 90 जीरो होता है ये हो जाएगा प्लस PE कॉस थीटा नॉट प्लस PE कॉस थीटा नॉट किस किस को ये समझ में आया है ये वर्क डन हो गया टॉर्क एक्सटर्नल द्वारा घुमाने में अब ये बता दो ये वर्क डन कहां जाएगा वर्क एनर्जी थ्योरम से वर्क एनर्जी थ्योरम कहती है वर्क डन बाय टॉर्क काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एग्जैक्टली चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी में जाएगा मैंने कहा स्लोली कर रहे हो भाई तुम स्लोली कर रहे हो तो काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज आएगा नहीं तो ये आ गया चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज PE cos थीटा नॉट सबको समझ में आया कि नहीं आया अब ये बता दो फाइनल मैंने सिचुएशन कौन सी मानी है 90 डिग्री वाली और इनिशियल मानी है थीटा नॉट वाली तो हमने ये कह दिया पोटेंशियल एनर्जी फाइनल एट थीटा इक्वल टू 90 डिग्री माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी एट थीटा इक्वल टू थीटा नॉट शुड बी इक्वल टू PE cos थीटा नॉट याद रखना हमेशा जब भी तुम डिराइव करते हो तो कभी पोटेंशियल एनर्जी नहीं आती चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आती है क्या आती है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आती है गाइस ये बात समझ में आई या नहीं आई हाँ ना मैं जवाब दे सकते हो यस सर आगे बात समझ में आ गई ना अब तुम कहोगे फॉर्मूला कैसे बना यार रेफरेंस लेवल मान लो ना किसी एक पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी अगर मैं जीरो मान लूं उसके रेस्पेक्ट में बाकियों की निकाल दूंगा तो यहां पर मैंने रेफरेंस लेवल क्या मान लिया जब थीटा इक्वल टू 90 है उस पोटेंशियल एनर्जी को मैंने बोल दिया जीरो तो इसको मैंने बोल दिया जीरो अज्यूम करके अब मैं किसी को जीरो मान लूं जनरली जैसे इंफिनिटी पे नहीं बोलते थे इंफिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है गॉट इट और नॉट तो उसके रेस्पेक्ट में सारी निकलती थी तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी निकल रही है एट थीटा नॉट कितनी निकल रही है फॉर्मूला क्या बन रहा है माइनस PE कॉस थीटा नॉट हाँ या ना ये हो गया माइनस ऑफ P डॉट E एक्सटर्नल अब जिसको समझ में नहीं आया ना स्कूल के अंदर डेरिवेशन आएगा वो गलत करके आएगा बोलो हाँ क्योंकि हो सकता है वो ये प्रूव भी ना करवाए वो जानते हो क्या प्रूफ करवा सकता है वो हो सकता है ये प्रूफ करने के लिए बोल दे कि पोटेंशियल एनर्जी एट थीटा टू माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट थीटा वन इज माइनस ले एक तो डिस्कनेक्ट होके बैठ गया चलो रिपीट करना पड़ेगा चल वेट कर लेते हैं भाई मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर स्कूल में ना डेरिवेशन में हो सकता है कुछ और पूछ लें डिराइव करने के लिए कर लोगे या नहीं कर लोगे वो ये पूछ सकते हैं कि थीटा वन से घुमाया था और थीटा टू तक घुमा के लेके गई हाँ या ना ये पी था ये ई था गॉट इट और नॉट अब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बता दो तो पोटेंशियल एनर्जी एट थीटा टू माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट थीटा वन वुड बी इक्वल टू माइनस या फिर पीई माइनस ऑफ कॉस थीटा टू एंड माइनस ऑफ माइनस कॉस थीटा वन किस किस को चमक गया गाइस फिर ये मत कहना कि सर ने जो कराया था उससे हमारा ये तो डिराइव हुआ नहीं अगर तुमसे ऊपर वाले से ये वाला नहीं हुआ तो वो तो बेवकूफी है मैंने तो थीटा टू को 90 तो लिया है बोलो हाँ समझ में आया होगा तो दोनों समझ में आ जाएंगे समझ में नहीं आया होगा तो मतलब झक मार रहे हो आगे बढ़ ले गाइस यस सर यस पक्का ठीक है सपोज करो इसी चीज पे लास्ट टॉपिक है मान लो हमारे पास डाइपोल को
डाइपोल को नॉन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड में, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट कर दें, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि फोर्स नेट विल नॉट बी जीरो? हाँ या ना? And that makes sense, ना? कि मान लो ये डाइपोल है, ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, और यहां पर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल की वैल्यू अलग है, ई प्लस डेल्टा ई है। क्या मैं ये कह सकता हूं कि इस केस में इस पे फोर्स किधर लगेगी? क्यू ई। और इस केस में इस पे फोर्स कितनी लगेगी? क्यू ई प्लस डेल्टा ई। नेट फोर्स कितनी लगेगी? क्यू डेल्टा ई। बोलो हाँ। तो जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो किस तरह से कर लोगे गाइस? ऐसे दोनों को अलग अलग पॉइंट चार्ज लेके सॉल्व कर सकता हूं या नहीं कर सकता? यस सर। पक्का? श्योर। अब इसके ऊपर नीट में और मेंस में दो क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं, दो क्वेश्चन रिपीट से हो रहे हैं, दोनों क्वेश्चन मैं करा दूंगा, तीन क्वेश्चन मैं कराऊंगा, दो बार बार आते रहते हैं, तीसरा भी करा दूंगा, और तुम्हें तुम देखोगे तीनों में मैं मेथड सेम ही यूज कर रहा हूं, कोई नया भी आएगा तो वही मेथड लगाएंगे। गाइस क्वेश्चन इज, फर्स्ट क्वेश्चन इज, स्क्रॉल कर दें एवरीबॉडी। यस। सपोज क्वेश्चन बनाया, एक पॉइंट चार्ज रखा है, उससे आर डिस्टेंस की दूरी पे एक स्मॉल डाइपोल रख दिया ऐसे। फाइंड नेट फोर्स ऑन स्मॉल डाइपोल ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ क्यू। क्या मैं ये कह सकता हूं जो पॉइंट चार्ज है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लेंथ ऑफ डाइपोल पे सेम नहीं होगी, तो जो लेफ्ट साइड में चार्ज है उस पर अलग फोर्स लगेगी, राइट वाले पे जो चार्ज है उस पर फोर्स अलग लगेगी, और अलग अलग डायरेक्शन में लगेंगी और कटेंगी नहीं, और कटेंगी नहीं, तो इसका मतलब नेट फोर्स विल बी नॉन जीरो। गाइस गॉट इट और नॉट? यस सर। सो कैन यू डू दिस क्वेश्चन? या मैं करके दिखा दूंगी कैसे कर सकते हैं, या कोई बताएगा कि सर इसका क्या आंसर आ रहा है? देखो ऐसे कर देते हैं सॉल्यूशन, चलो मैं करा ही देता हूं। ये पॉइंट चार्ज ले लो और यहां पर आर डिस्टेंस, अब समझ में नहीं आ रहा मिड पॉइंट से लूं, मिड पॉइंट से लूं या एंड पे लूं, मैंने कहा कोई खास फर्क नहीं पड़ता, ऐसे ले लो, ऐसे ले लो, इसको ले लो माइनस क्यू क्योंकि यहां पर ऐसे है, ये ले लो प्लस क्यू, इस लेंथ को ले लो एल, चलेगा? अब बता दो फोर्स कितना लगेगा? इधर की तरफ फोर्स लगेगा के क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू स्मॉल क्यू, इस पे इधर की तरफ फोर्स लगेगा के क्यू बाय आर प्लस एल का होल स्क्वायर इंटू स्मॉल क्यू। नेट फोर्स किधर लगेगा? इधर की तरफ लगेगा। ये एफ नेट कितना हो गया गाइस? ये हो गया के क्यू क्यू वन बाय आर स्क्वायर माइनस वन बाय आर प्लस एल का होल स्क्वायर। गाइस गॉट इट और नॉट? बोलो। यस सर। थोड़ा सिंपलीफाई कर दो, के क्यू क्यू ये हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस टू आर एल डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इनटू आर प्लस एल का होल स्क्वायर। यहाँ पे जुगाड़ लगाते हैं। अब इसने कहा था शॉर्ट डाइपोल, बोला था कहीं, बोला था स्मॉल डाइपोल, इसका मतलब एल शुड बी मच मच लेस देन आर। यहां पर मैं इस क्वांटिटी को इग्नोर कर दूं, हाँ या ना, टू आर एल के कंपेरिजन में। Got it or not? या ये कहो L common ले लो, 2R plus L बनेगा, तो 2R plus L को R, 2R लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? समझे कि नहीं समझे? Yes sir. Yes sir. इसको लिख दूंगा K Q Q
टू आर एल डिवाइडेड बाय, इसमें इसको इग्नोर कर दो, आर की पावर फोर, तो ये आ जाएगा टू के क्यू क्यू एल अपॉन आर क्यूब, क्यू एल को लिख दो पी, तो फोर्स बन गया हमारा, फोर्स नेट बन गया, और इस केस में अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, ये बन गया टू के क्यू पी अपॉन आर क्यूब। किस किस को समझ में आ गया गाइस? यस सर। एवरीबॉडी? यस यस। श्योर? आगे बढ़े? यस सर। ठीक है, मान लो मेंस में ये वाला क्वेश्चन नहीं आया था, आई थिंक ये वाला शायद नीट में आया था, मेंस में ये वाला क्वेश्चन आया था। एक डाइपोल ले लिया पी वन, शॉर्ट डाइपोल, और आर डिस्टेंस पे एक और शॉर्ट डाइपोल ले लिया पी टू। फाइंड नेट फोर्स ऑन पी टू ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पी वन। गाइस करने का कष्ट करेंगे? एवरीबॉडी करने का कष्ट करोगे? यस सर। करो, यू हैव गॉट 2-3 मिनट्स। You are going to solve this question. I am not going to solve this question. Okay. I am coming in 2-3 minutes. Guys, ये question कोई tough question नहीं है. Why? क्यों नहीं हो रहा भाई तुम लोगों से? यार ये solution में क्या करो? ये P1 रखो. और यहाँ पर R distance पे ऐसे रख दो P2. चलेगा? ये length ले लो L. इसको मान लो as a दो चार्जेस, ये है माइनस क्यू, ये है प्लस क्यू। अब इसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा? इधर की तरफ लगेगा। कितना लगेगा? 2k p1 by r क्यूब इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू q, और इस पे फोर्स लगेगा इधर की तरफ 2k p1 by r प्लस l का क्यूब इनटू q। नेट फोर्स कैसे लगेगा? इधर की तरफ लगेगा f नेट, क्योंकि लेफ्ट वाली बड़ी है राइट वाली छोटी है। बोलो हाँ। तो ये बन जाएगा 2k p1 into q 1 by r क्यूब माइनस 1 by r प्लस l का क्यूब। अब कुछ टर्म्स को इग्नोर करना है वगैरह वगैरह, मेरे ख्याल से यहां पर बाइनोमियल एक्सपेंशन से भी हो सकता है। इसको लिख दो 2k p1 q by r क्यूब, ये आ गया 1 माइनस 1 by 1 प्लस L by R का क्यूब। बोलो हाँ। इसको लिख सकता हूं 1 माइनस 1 प्लस L by R की पावर माइनस 3। बोलो हाँ। यहां पे लगा दो बाइनोमियल एक्सपेंशन। क्या कर रहे हैं यार, कौन मैसेज मार रही है? हाँ, 1 प्लस L by R की पावर माइनस 3। बाकी ये टर्म तो बाहर रहेगी ही रहेगी, ठीक है कि नहीं है? ये आ जाएगा 1 माइनस 3 एल बाय आर 2 के पी वन क्यू बाय आर क्यू। हाँ भाई, 1 से 1 कट गया। अब किसी को ये समझ में ही नहीं आ रहा होगा, जो गलती से 12th के अंदर कंपटीशन के का वो संभाला है, याद आ रहा है? 1 प्लस एक्स की पावर एन, 1 प्लस एक्स की पावर एन इज 1 प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस 1 एक्स स्क्वायर बाय 2 गोज ऑन। ऐसे करते थे या नहीं करते थे? और अगर एक्स बहुत बहुत छोटा होता है 1 से, एक्स बहुत बहुत छोटा होता है 1 से, तो मान लो एक्स है 0.01, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा 0.01 का स्क्वायर, और टर्म्स आगे क्यूब वाला होएगा तो और छोटा होता जाएगा, सबको इग्नोर कर दो, तो 1 प्लस एन एक्स बन जाएगा। तो 1 प्लस एल बाय आर की पावर माइनस 3 के अंदर पहली दो टर्म लेंगे तो आ जाएगा 1 प्लस माइनस 3 इंटू एल बाय आर। बोलो हाँ।
किस किस को समझ में आया है, नहीं आया तो बोल देते हैं। आ गया। तो ये टर्म्स कितनी बन गई, 2k p1 q by r q into 3l by r, कितना आ रहा है 6k ql को लिख दिया p2, 6k p1 p2 by r की पावर 4। और फोर्स कैसी लगी है, अट्रैक्टिव लगी है, कैसी लगी है गाइस, अट्रैक्टिव लगी है। किस किस को समझ में आ गया गाइस? यस सर। टफ था क्या ये? नहीं सर, पर एकदम सोच नहीं पाया। क्या सोचने में क्या था? नहीं, अगर तुम ये नहीं सोच पाए तो तुम ये कैसे कह सकते हो कि तुम नहीं सोच पाए? तुमने क्या नहीं समझ सोच पाए कि यार एक के कारण दूसरे पे फोर्स निकाल रहे हैं, दूसरे वाले जिस पे फोर्स निकाल रहे हैं उसको दो चार्ज मान लेना, पहले एक पे निकालना फिर दूसरे पे निकालना। गाइस गॉट इट और नॉट? यस सर। गाइस यहां तक समझ में आ गया? ओके, नेक्स्ट इज, ये दोनों ही पेपरों में आ चुके हैं। अगर तीसरा क्वेश्चन मैं कहूं तो क्या हो जाएगा, एक वायर लिया, अब किसी भी, मतलब तुम क्वेश्चन तो कुछ भी बना सकते हो यार, क्वेश्चन तो कुछ भी बना सकते हो, नहीं बना सकते भाई? नॉन यूनिफॉर्म फील्ड होनी चाहिए, उसके अंदर डाइपोल रखना है, बोलो हाँ। नॉन यूनिफॉर्म फील्ड होनी चाहिए, उसमें डाइपोल रखना है कि नहीं रखना है? अब इनफाइनाइट वायर ले लूं लैम्डा वाला, ये नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है या नहीं है? इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होती है क्या? नॉन यूनिफॉर्म होती है। अब ये कह दें क्वेश्चन वाला कि भाई यहां से आर डिस्टेंस पे डाइपोल रख दिया ऐसे, इस पे निकालो फोर्स। मैंने कहा भाई कुछ नहीं करना, ये एल ले लो, इस वाले पे फोर्स लग जाएगा 2k लैम्डा बाय r इनटू q, ये माइनस q था, ध्यान रखना इस एरो का मतलब है, p वाले एरो का मतलब है, क्योंकि इधर माइनस है और इधर प्लस q है, और इधर वाले पे फोर्स लग जाएगा 2k लैम्डा बाय r प्लस l इनटू q, हाँ या ना? नेट फोर्स क्या लग जाएगा, इधर की तरफ लग जाएगा। अच्छा अगर मान लो इसी क्वेश्चन में वो ऐसे कह देता, नहीं हमने तो P ऐसे रखा है, तो नेट फोर्स रिपल्सिव हो जाएगी, क्योंकि ये प्लस Q होगा और ये माइनस Q होगा, और प्लस Q पे इधर फोर्स लगेगी और माइनस Q पे इधर लगेगी, नेट फोर्स इधर लगेगी, बोलो हाँ। किस किस को समझ में आ रहा है? समझ में आई बात है, नहीं आई? यस सर। और हमारे पास नेट फोर्स की वैल्यू कितनी आ रही है? नेट फोर्स की वैल्यू आ रही है 2k लैम्डा q 1 by r माइनस 1 by r प्लस l, दैट्स f नेट। कितना हो रहा है ये? ये हो रहा है 2k लैम्डा q l अपॉन r स्क्वायर लिख दूं, हाँ या ना? ql को p लिख दूं तो ये आ गया 2k लैम्डा p by r स्क्वायर, हाँ या ना? किस किस को समझ में आ गया गाइस? यस। आर यू श्योर? यस सर। तीन क्वेश्चन कराए हैं, अब मैं इसमें 10 कराऊं या 3 कराऊं, तुम्हें समझ में आ गया ना करना क्या था? जैसे इरोडोव के अंदर क्वेश्चन क्या है, इरोडोव में क्वेश्चन है कि एक रिंग ले लिया, एक रिंग ले लिया, ये नोट कर रहा हूं, एक सेकंड में, एक रिंग ले लिया, That's a question in the Irodo. कुछ है थोड़ी इसमें। ये रिंग लिया, रिंग पे चार्ज क्यू कर दिया, रेडियस ले लिया आर, और उसके एक्सिस पे एक्स डिस्टेंस पे रख दिया छोटा सा डाइपोल, और फिर ये कहा था क्वेश्चन वाले ने कि फाइंड लोकेशन एक्स जहां पर फोर्स ऑन डाइपोल इज जीरो, पहले फोर्स निकालो फिर उसको जीरो कर दो, बोलो हाँ। समझे कि नहीं समझे? पहले से क्वेश्चन रिपीट करना। पहले तो क्वेश्चन ने पूछा एफ नेट ऑन डाइपोल, ऑन शॉर्ट डाइपोल, फाइंड नेट फोर्स ऑन शॉर्ट डाइपोल ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ रिंग, गॉट इट और नॉट? फाइंड नेट फोर्स ऑन शॉर्ट डाइपोल ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ रिंग एंड फाइंड एक्स, फाइंड एक्स वेयर फोर्स नेट
ऑन डाइपोल इज जीरो. उसने तो बहुत मजे लिए थे, उसने तो कहा जहां पे जीरो है हो गई ना, वहां से डिस्प्लेस करो डाइपोल को एंड शो एस एच एम, अज्यूमिंग द टोटल मास ऑफ डाइपोल इज एम. और बोलो जहां पर इक्विलिब्रियम आया, जहां पे फोर्स जीरो हो गई, वहां से हल्का सा हिला के छोड़ दिया, तो दिखाओ कि ये डाइपोल जो करेगा वो एस एच एम करेगा. ठीक है, लेट अस से दिस इज नॉट होमवर्क. लेट अस से दिस इज नॉट होमवर्क. जबरदस्ती टाइम वेस्ट करोगे. यहां तक का समझ में आ गया, ये लिख लो. गाइस यहां तक समझ में आया है कि नहीं आया है? यस सर. आगे बढ़े. यस सर. सर एक मिनट. हो गया. ठीक है, तो सपोज करें मान लो ये डाइपोल था, ये था माइनस क्यू, ये था प्लस क्यू, और इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे थी ई, और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड थी ई प्लस डेल्टा ई. बोलो हाँ. तो इस पे इधर फोर्स लग रहा था, इस पे इधर फोर्स लग रहा था क्यू ई, और इधर फोर्स लग रहा था क्यू ई प्लस डेल्टा ई. तो मैं कह सकता हूं फोर्स नेट कितना हो जाएगा, क्यू डेल्टा ई. बोलो हाँ. यस सर. बातें नहीं आई. ठीक है, अब मैंने कहा इस डायग्राम को ऐसे सोचो कि ये x इक्वल टू जीरो है, लोकेशन x पे इलेक्ट्रिक फील्ड E थी, और यहां पर शॉर्ट डाइपोल रखा, और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड थी E प्लस डेल्टा E. इसको ऐसे बोल दूं कि ये लोकेशन हो गया x प्लस डेल्टा x, इसको बोल दिया डेल्टा x. तो मैंने q डेल्टा E जो फॉर्मूला बना, इसको लिख दिया Q डेल्टा E डिवाइडेड बाय डेल्टा X मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा X. Q डेल्टा X क्या बन गया गाइस? Q डेल्टा X बन गया डाइपोल P डेल्टा E बाय डेल्टा X. टेक्निकली P DE बाय DX, दैट इज फोर्स नेट ऑन डाइपोल. कुछ कुछ समझ में आया? समझो जरा, दो मिनट बैठ के. दैट मेक सेंस? यस सर. दैट मेक सेंस? गॉट इट और नॉट? यस सर. सो इफ आई लुक एट द क्वेश्चन, इफ आई लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन? लिख लिया सबने गाइस? एक सेकंड. सर एक मिनट. लिखो लिखो. लिख लो तो बता देना. ठीक है, हो गया सर. सपोज करें पहला क्वेश्चन क्या कराया था, पॉइंट चार्ज था, उससे आर डिस्टेंस पे डाइपोल रखा था. मैंने कहा था नेट फोर्स का फॉर्मूला बनता है पी डी ई बाय डी एक्स, या फिर इसको ऐसे सोचो, दिस इज बेसिकली, दिस इज व्हाट, ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर द लेंथ. हाँ या ना? यही तो हो रहा है कि लेंथ ऑफ डाइपोल पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस रेट से चेंज हो रही है, ग्रेडियंट डी ई बाय डी एक्स.
तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी, यहाँ पर सही पूछा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी, के क्यू बाय आर स्क्वायर, डी ई बाय डी आर कितना हो जाएगा, डी ई बाय डी आर हो जाएगा माइनस टू के क्यू बाय आर क्यूब, तो ये आ जाएगा माइनस टू के क्यू पी बाय आर क्यूब। सपोज करो अगला क्वेश्चन कराया था, यहां था पी वन, यहां था पी टू, ये आर था। पी वन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है भाई, पी वन के कारण यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है टू के पी वन बाय आर क्यूब। हाँ, डाइपोल के कारण यही तो होती है। तो मैंने कहा भाई डी ई बाय डी आर कितना हो जाएगा, डी ई बाय डी आर हो जाएगा माइनस सिक्स के पी वन बाय आर की पावर फोर। तो हमने कहा भाई फोर्स कितनी हो जाएगी, पी टू इंटू डी ई बाय डी आर, ये हो जाएगा माइनस सिक्स के पी वन पी टू बाय आर की पावर फोर। जो इनफाइनाइट वायर था, उस इनफाइनाइट वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती थी, 2k लैम्डा बाय आर, बोलो हाँ। डी ई बाय डी आर कितना हो जाएगा, माइनस 2k लैम्डा बाय आर स्क्वायर। तो फोर्स कितनी हो जाएगी, p इंटू माइनस 2k लैम्डा बाय आर स्क्वायर, बोलो हाँ। और जो ये नेगेटिव साइन है ये डिनोट कर रहा है कि अट्रैक्टिव है, ये नेगेटिव साइन है ये डिनोट कर रहा है अट्रैक्टिव है। बात समझ में आ रही है कुछ? यस सर। हाँ सर। एक्चुअली ये फॉर्मूला और ज्यादा, पहले तो लिख लो समझ में आया कि नहीं आया, तो कोई मुझे yes, अगर yes, कोई मुझे रट के ये आंसर बोलता है तो मुझे समझ में आ जाएगा ना कि रटा हुआ है, हाँ या ना? तो रटा हुआ नहीं होना चाहिए, तुम्हें समझ में आना चाहिए कि करा क्या है, ठीक है? Got it or not? Yes sir, एक मिनट बस लिखना है। हाँ लिखो लिखो। इसको मैं और अच्छे से बताऊं, जो मैंने तो फॉर्मूला ऐसे ही कर दिया, समझा दिया ना मैंने पूरा, गाइस समझ में आ गया ना यहाँ तक? इस फॉर्मूले को और एग्जैक्ट बनाया जाए, विल बी योर जनरल फॉर्मूला फॉर कोर्स ऑन डाइपोल, दैट विल बी योर जनरल फॉर्मूला फॉर कोर्स ऑन डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन ये फॉर्मूला कभी यूज मत करना, कोई करने की जरूरत नहीं है, जब भी क्वेश्चन आएगा तो आसान सा कुछ आएगा। गाइस गॉट इट और नॉट? यस सर।